सो मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे वीडियोज आपने देखे होंगे और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे वीडियोज आपने अगर नहीं देखे है तो जितने भी मैंने प्लेलिस्ट में सारी सीरीज ऐड करके रखी है वन से लेके बहुत सारे सेशन से उसमें बेसिक से लेके सारे फॉर्मूलाज आप उसमें चेक कर सकते हो और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले आपको एक इक्वेशन बताता हूं वो आपको याद रखना है क्या इक्वेशन है बहुत ही सिंपल इक्वेशन है पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग में जितने भी फॉर्मुलाज है वो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे सबसे पहले आपको याद रखना है सेल्स जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन और जब हम कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा प्रॉफिट तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है इसी से सारे फॉर्मूलाज बने हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मिलेगा कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा प्रॉफिट में अगर हम फिक्स कॉस्ट को प्लस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा और कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा दैट इज द सिंपल इक्वेशन विच यू हैव टू रिमेंबर तो वो आपको याद रखना है आई होप कि आपको ये आर एस एम शॉर्ट्स का कंसेप्ट अच्छा लग रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूले ताकि बहुत सारे जो कंसेप्ट है अकाउंटेंसी के वो आपके क्लियर हो पाए थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद सम न्यू कंसेप्ट विद सम न्यू शॉर्ट्स टिल देन बाय बाय टेक केयर